सवाल पूछूं? सच सच बताना बिना हिचकिचाए, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? पाठशाला क्यों नहीं गई कभी वंदिता? बाबा, मामा, माँ, किसी ने दाखिला नहीं करवाया तुम्हारा? क्या मामी मना करती थी जाने से पाठशाला में? फिर? पर माँ, बाबा, मामा ने कभी कहा नहीं कि पढ़ना चाहिए मुझे। वैसे भी क्या एक लड़की की पहचान उसके पढ़ाई से होती है क्या भला? पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए जरूरी है? बताइए क्यों जरूरी है एक लड़की के लिए पढ़ाई करना? माँ कहती है कि बड़ी समझदार हूँ मैं, तो कहिए आप फिर क्या जरूरत है मुझे पढ़ने लिखने की? मामी ने बताया था कि कोई नहीं पूछता है विवाह में कि लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं, उल्टा नाराज हो जाते हैं रिश्ते वाले अगर लड़की पढ़ी लिखी हो। फिर क्यों चाहेगा कोई भी कि पढ़े उनके लड़के भला? वैसे भी जरूरी ये नहीं है कि लड़की को खाना बनाना, घर की सफाई करना, सिलाई बुनाई आती हो। मैंने तो हमेशा यही सुना है मामा मामी से, गांव वालों से, कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए ही होती है बिरिस्तरा बाबू। आखिर सब हिसाब किताब, पैसे, व्यापार सब उन्हें ही तो देखना होता है ना? पता है आप पहले हो जिसने पूछा है मुझसे कि पढ़ना लिखना क्यों नहीं जानती हूँ मैं, अनपढ़ क्यों हूँ मैं? सही कहती थी माँ, सबसे अलग है आप, वरना मामा मामी पूरे गांव वाले बस यही कहते थे बोंदता खाना बनाना सीख ले, बोंदता कपड़ा धोना सीख ले, बोंदता कपड़े सिलना सीख ले, कुएं से पानी भरना सीख ले, यही काम आता है ससुराल में लड़की जात को। और तो और सिर्फ एक ही पाठशाला थी हमारे गांव में, और वो भी सिर्फ लड़कों के लिए। और नहीं क्या एक भी लड़की विद्यालय नहीं गई है हमारे गांव से? तो बताओ कि कैसे जाती मैं विद्यालय? जब समाज ने ही लड़कियों को ये सिखाया है कि अनपढ़ रहना सही है लड़कियों के लिए, तो फिर इसमें बोंदता की क्या गलती है? गलती मेरी है, मैं ही ज्यादा उम्मीद लगा बैठा बोंदता से। सब वैसा ही हुआ जैसे मैं चाहती थी बनाए अंक में। देखा आपने कैसे सबके सामने मजाक बन गया अनिरुद्ध का, कैसे नजरें झुकाए शर्मिंदा होके खड़ा था बेचारा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी को पढ़ना लिखना नहीं आता। इसे पढ़ो, मैं चाहता हूं इन प्रश्नों के जवाब तुम खुद ढूंढो। मैं कैसे पढ़ूं इसे? क्यों, पढ़ने में क्या मुश्किल है? सब कुछ हिंदी में लिखा है, देखो पढ़ो। सार्वजनिक शौचालय अत्याचार है। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें अभिमानी बनेंगी। पढ़ो इसे और इस बार कोई गलती मत करना। कैसे पढ़ूं मैं? पढ़ना आता है क्या मुझे?
लिफाफा खोलकर नहीं देखेंगे मेरा अंकल? सुदामनी विद्स अनिरुद्ध 10 दिन के बाद। ये सब क्या मजाक है? किसने तय किया ये विवाह? मेरा और अनिरुद्ध का विवाह पहले से तय नहीं था, मैंने तो सिर्फ एक तारीख दी है। मुझे लगता था कि आप भी यही चाहते थे, मेरा मतलब आप अभी भी यही चाहते हैं। बिल्कुल हम यही चाहते हैं सुदामनी, कि तुम इस हवेली की बहू बनो। लेकिन ये कैसे हो सकता है, जानती नहीं हो क्या? अनिरुद्ध की पत्नी बंदिता है अब। बहुत सोच समझकर मैंने ये निमंत्रण पत्र बनवाया है बिनोय अंकल। पर आप मुझे असमंजस में क्यों लग रहे हैं? आपको भरोसा नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वो मैं कर भी सकती हूँ? अब चिंता तो होगी, क्या बचा है हमारे हाथ में? और तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो दोनों पति पत्नी है, एक एक कदम फूक फूक कर लेना होगा कि नहीं? जानती हूँ कितने अच्छे शिकारी हैं आप बिनोय, आप इतनी सावधानी से वार करते हैं कि शिकार को पता ही नहीं चलता कि उसका शिकार हो गया। लेकिन एक अच्छा शिकारी ये भी जानता है कि जब शेरनी घायल हो जाती है तो वो दुगनी ही ताकत से शिकारी पर वार भी करती है। सिर्फ ताकत से वार करना काफी होगा क्या? है कोई योजना तुम्हारे पास जिससे बंदिता अनिरुद्ध से दूर हो सके? बिनोय अंकल, हमने सिर्फ 2 बड़ी गलतियां की है। हमें लगता था कि अनिरुद्ध को हम मेरी खूबसूरती से अपनी ओर खींच सकते हैं, पर हम ये बात भूल गए कि अनिरुद्ध कितना भावुक है, वो रिश्तों को कितना मायने देता है। वो कभी दिमाग से नहीं, दिल से सोचता है। और अनिरुद्ध मेरी सुंदरता से नहीं, मुझसे प्यार करता है। इसलिए मैं जानती हूं कि भले हमारा विवाह ना हुआ पर उसे पहले की तरह मेरी थोड़ी तो चिंता होती होगी। उसकी इसी ही चिंता का फायदा उठाना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात, हमने बंदिता को हमेशा बिचारी दिखाया है, इसलिए तो अनिरुद्ध को उसके लिए बुरा लगता था। जब बंदिता के बिस्तर गीला करने वाली बात बाहर आई तब वो कमजोर दिखी, इसलिए अनिरुद्ध उसका इलाज बन गया। जब बंदिता के अनपढ़ होने वाली बात बाहर आई तो वो उसकी कलम बन गया। हमने जितना उसे दबाकर रखा, जितना बेचारा दिखाया, उतनी ही ताकत से अनिरुद्ध और बंदिता जुड़ गए। पर हम ये भूल गए कि अनिरुद्ध को बेचारों से कितनी हमदर्दी है। हमने ही बंदिता को अनिरुद्ध का फितूर बनाया है। पर इस बार हम अनिरुद्ध को वो दबी हुई कुचली हुई बंदिता नहीं दिखाएंगे। तो क्या दिखाएंगे आप? रानी महारानी? हाँ, इसमें गलत क्या है? अगर अनिरुद्ध को लगे कि बंदिता एक शैतान, बदमाश, कामचोर लड़की है जिसे खाने और शैतानी करने के अलावा कुछ भी नहीं आता, इसलिए हम अनिरुद्ध को वो बिचारी नहीं बल्कि एक बदमाश बंदिता दिखाएंगे जिसकी अनिरुद्ध को कोई जरूरत नहीं, जिसे देखकर उसे चिढ़ होने लगी, ऐसी बंदिता दिखाएंगे हम इसे। रणनीति तो काफी अच्छी है तुम्हारी सुदाम, पर ये करोगी कैसे? योजना है तुम्हारे पास? वो भी जल्दी ही बता दूंगी, पर तब तक अब विवाह की तैयारी करो। सूट सिलवाइए घर वालों के लिए, इस हवेली को फूलों से सजा दीजिए, कलकत्ते के हलवाई वाले को बुलाइए मिठाई बनवाने के लिए। आज से ठीक 10 दिन बाद होगा अनिरुद्ध और सौदामिनी का विवाह। तारीख भूलिएगा नहीं। हिम्मत करके ना हले ठंडे पानी से बंदिता, वरना काका ससुर जी कहेंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा बहू, ठंडे पानी से नहाना ही धर्म है एक कुशल गृहिणी का।